जिन्होंने काम किया है हमारे संक्षिप्त से डिवीजन पर, ये पधार चुके हैं डॉक्टर मदनलाल परमार क्रांति, और सुदूर ललितपुर से भाई अंगार जी, पंकज अंगार जी, ये ललितपुर से पधारे हैं, ओज के कवि हैं, अभी आप इनको सुनेंगे, राष्ट्रीय धारा के कवि हैं भाई अंगार जी, उनका स्वागत है। श्री अनन्या तिवरिया साहब, आप देखेंगे ये श्रीमद् भागवत का अपमान कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक खंड काव्य की रचना की है जो अभी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच है युवा कवि डॉक्टर राहुल जैन, हमारे ग्रेटर नोएडा में ही शहर में रहते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छा ये अभी अपना काव्य पढ़ रहे हैं। और शीतल स्पर्श, श्रीमती शीतल स्पर्श हमारे शहर की हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, आपके सामने अभी काव्य पाठ करेंगी, उनका स्वागत है। भाई हरिपाल सिंह चौहान सर, आपके शहर के जाने माने विद्वान हैं और आपके सामने एज ए पोइट अभी पधारे हुए। प्रमोद जी हमारे बीच पधार चुके हैं, भाई ओम राजा साहब बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे बीच विद्वान हैं। हरीश शर्मा यमदूत, यूं तो अमदूत का आना बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है, लेकिन ये हास्य के अमदूत हैं और हमारे सामने हास्य कवि के रूप में यमदूत जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। और रोली शुक्ला, एक उभरती हुई हमारी साहित्य कवयित्री हैं, वो हमारे बीच हैं, बहुत सुंदर ये आपको रचना सुनाएगी रोली शुक्ला जी। भाई दीनानाथ गुप्ता जी, ये युवा कवि हैं, इनका जोश देखते ही बनता है, हमने उनको आमंत्रित किया है आज के कल समय। भाई प्रणाम जी युवा कवि हैं और इनका आज स्वागत है इस कल सम्मेलन में। और एक दो मित्र हमारे और अभी आना बाकी, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं डॉक्टर मदन लाल वर्मा को नामित करने की आपसे सलाह चाहता हूँ, एडवाइस चाहता हूँ, तो आप सब लोग अगर आज्ञा दें तो डॉक्टर मदन लाल वर्मा का कांत को अध्यक्ष के रूप में स्वागत। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी सरस्वती वंदना और सरस्वती पूजन दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित है अध्यक्ष जी। और अहरवाल साहब कहाँ गए, अहरवाल साहब राहुल जी आइए।